समाज में शिक्षा के उत्थान के साथ साथ बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गठित शेख सैयद मुगल पठान महासभा संस्थान अजमेर अपनी संस्था स्थापना की पहली वर्षगांठ मना रही है। पहली वर्षगांठ के मौके पर संस्थान की ओर से 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 2 दिवसीय कार्यक्रम के तहत संस्थान की ओर से रविवार को संस्थान के लोधा का बाड़िया स्थित नवनिर्मित भवन में पीड़ित मानवता की सेवार्थ रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। रक्तदान शिविर में समाज के युवा रक्तदान करेंगे। इसके साथ ही युवाओं के लिए कबड्डी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया है, जिसमें आसपास के क्षेत्रों की कई टीमें भाग लेंगी। 2 दिवसीय कार्यक्रमों की जानकारी के लिए शनिवार को संस्थान पदाधिकारियों की ओर से अजमेर रोड स्थित होटल शंकर पैलेस में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान संस्थान अध्यक्ष बशीर मोहम्मद ने बताया कि 26 दिसम्बर को संस्थान के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया जाएगा। इस दौरान समाज विकास में सहयोग देने वाले भामाशाहों का स्वागत, समाज के सरकारी कर्मचारियों का अभिनंदन एवं प्रतिभाओं का सम्मान किया जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान संस्थान उपाध्यक्ष डॉ. जमाल अली ने बताया कि आगामी दिनों में महासभा द्वारा बालिका शिक्षा प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने, छात्रावास संचालन व समाज व सरकारी सहयोग प्राप्त करने, समाज के जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा में सहायता करने, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद करने आदि के लिए कार्य किया जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान इस्माइल खान, सलीम मोहम्मद, सरफराज खान, इस्माइल मुस्तान खान, आबिद अली, अजमत काठात, गुलशेर खान तथा इनायतुल्ला आदि उपस्थित थे। लगभग 40 टीमें कबड्डी की होगी और उसके साथ ही ब्लड डोनेशन भी होगा, तो उसमें हम पूरी उम्मीद कर रहे हैं। हमारे पास जो लिस्ट आई वो 250 ब्लड डोनेशन की लड़कों के नाम और मोबाइल नंबर आ चुके हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि 250 यूनिट हम लोग ब्लड डोनेशन देने की कोशिश करेंगे। और परसों लोकार्पण होगा हमारे भवन का, जो लगभग 30 लाख रुपए से हमने बनवाया, उसमें वो सब सुविधा युक्त है उसके अंदर। उसका जो है उद्घाटन माननीय हमारे प्रेसिडेंट बशीर मोहम्मद जी करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये समाज दिन दोनी रात चौगुनी तरक्की करें और इस समाज के अंदर जितने भी जो बच्चे हैं उन सबको हम लोग एजुकेशन के दायरे में लाने की कोशिश करेंगे। और बच्चों को जो है जो पढ़ने में कमज़ोर हैं उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस लगाने की हम कोशिश करेंगे। और एक सबसे बड़ी बात है कि साल में एक बार सामूहिक युवा सम्मेलन करने का भी हमारा विचार है। सारे के सारे अजमेर जिले का हमारा कार्य क्षेत्र पूरे अजमेर जिले का रहेगा। अजमेर जिले के अंदर जितने भी गाँव हैं उन सबको जोड़ करके और हम ये विकास की बात करेंगे। सभी ब्यावर वासियों को सेंट पॉल सीनियर सेकेंडरी विद्यालय ब्यावर की ओर से प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस क्रिसमस के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। क्रिसमस के इस परम पावन पर्व पर हम सभी नगर वासियों के सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हैं। प्रभु यीशु इस पावन पर्व पर आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे। आइए हम सब मिलकर इस पावन पर्व को धूमधाम से मनाएं और आपस में खुशियां बांटें।